नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। विश्व के साथ ही भारत भी इन दिनों वैश्विक महामारी की मार झेल रहा है। देश में एक तरफ जहां कोरोना के मामले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में मंकी पॉक्स वायरस का भी मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में देश के साथ ही राज्यों में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के जिन जिन राज्यों में संदिग्धों की पहचान हो रही है, वह उन जगहों पर स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट मोड पर रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक 25 देशों में इस वायरस के 18,578 मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इस बीमारी के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका और यूके में हैं। आपको बता दें कि भारत में भी 4 मरीजों की मंकी पॉक्स से पुष्टि हुई है। बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां संदिग्ध मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि दिल्ली, गाजियाबाद, कोलकाता, बिहार, केरल और महाराष्ट्र में मंकी पॉक्स के कई संदिग्ध केस लगातार सामने आ रहे हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि देश का पहला मंकी पॉक्स मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गया है। बता दें कि यह केरल का रहने वाला है। वह 12 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से भारत आया था और 2 दिन के बाद वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उसे कोल्लम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उस व्यक्ति के मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण दिखे तो उसे त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। उस व्यक्ति के मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाने के बाद यात्रा के दौरान और उसके माता पिता को यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों को भी निगरानी में रखा गया है। यह वह व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि सभी नमूनों ने अब 2 बार नकारात्मक जांच किया और रोगी पूरी तरीके से ठीक हो गया है और अच्छा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे उपचार प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया था। ये नमूने लिए गए थे और लगातार उसके अंतराल के बाद उसका विश्लेषण किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिक, जो कि जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला एक वायरस है, जो कि चेचक वाले लोगों द्वारा अनुभव किया गया है और दोनों के लक्षण में भी समानता पाई गई है। मंकी पॉक्स के जानिए कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं। शरीर का सुस्त होना, खुजली की समस्या होना, बार बार तेज बुखार आना, पीठ और मांसपेशियों में दर्द होना, त्वचा पर दाने और चकत्ते पड़ना, गला खराब होना और बार बार खांसी होना। संक्रमित रोगियों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। जब ये पता चल जाए कि कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है, तो उस व्यक्ति को जो है अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होगा। विदेश यात्रा से आने पर अपना चेकअप करवाना चाहिए। संक्रमित के संपर्क में आने के बाद हाथ अच्छे से धोना चाहिए। एक तरह से कह लें कि कोरोना के जो लक्षण हैं, उसमें जो बातें कही गई थी कि आपको हाथ सैनिटाइजर से धोना है, उसके बाद साबुन से भी धोना है, इस तरह के जितने भी बचाव के लक्षण जो कोरोना वाले मामले में थे, वो इसमें भी रखे गए हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पे कहा गया है कि अब मंकी पॉक्स के जो मामले भारत में आए थे, जो पहला मरीज है, वो अब जो है पूरी तरीके से ठीक हो गया है। केरल का रहने वाला था, वो विदेश से जो है 12 जुलाई को भारत आया, उसके बाद जो है उसमें मंकी पॉक्स के मामले की पहचान हुई थी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।